देखो पूरा फिगर क्लियर है ना, ये दिख रहा है सब कुछ ठीक। देखो हम लोग करने जो जा रहे हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने जा रहे हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वैसे तो कई तरह का होता है, दो लेंस का भी होता है, तीन लेंस का भी होता है, इवन कनकेव लेंस का भी यूज़ करके ठीक है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। लेकिन हमको जो पढ़ना है अभी वो दो लेंस वाला, कॉन्केव लेंस वाला एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है। इसमें जो इमेज बनती है वो फाइनल इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है। अगर तीन लेंस का यूज़ करोगे ना तो उससे इमेज सीधी हो जाती है, फाइनल इमेज जो है सीधी हो जाती है। बस ये डिफरेंस है दो लेंस और तीन लेंस वाले में। अच्छा इसमें देखो ध्यान से, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा। टेलीस्कोप होता तो ऑब्जेक्ट दूर होता, जैसे स्टार्स को देखना है, प्लैनेट्स को देखना है तो वो ऑब्जेक्ट दूर होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा क्योंकि माइक्रोस्कोप है। तो ऑब्जेक्ट ए बी है, जो इसलिए जिधर ऑब्जेक्ट होता है उस वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। जिधर ऑब्जर्वर होता है, ये ऑब्जर्वर की आँख है, तो ऑब्जर्वर जिधर होता है वो अपनी आँख उधर रखेगा, तो इसलिए इसको आई लेंस बोला जाता है। अब ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट में से दो रेज निकल रही हैं, रे नंबर वन रे नंबर टू। एक पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये डॉटेड लाइन जो हॉरिजॉन्टल है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जो रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, इस लेंस के फोकस से पास करेगी, ये एफ ओ है। एफ ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट, ठीक है फोकल पॉइंट है ठीक है। अब यहाँ से पास करेगी और ये जाके दूसरे लेंस आई लेंस से टकराएगी, यानी इंसिडेंट होगी उसके ऊपर, फिर उससे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये रिफ्रैक्शन पहली रे का रिफ्रैक्शन, ऐसे ये हो गया पहली रे नंबर वन, इधर चली गई। दूसरी रे इधर से निकली ऑप्टिकल सेंटर, इसको ओ वन कह दो, इसको ओ टू कह दो। ओ वन इस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना डेबिट हुए सीधी निकल जाएगी, करेक्ट है सीधी निकली। लेकिन इस दूसरी रे को ये कट कर रही है, यहाँ पर देखो दोनों रेस एक दूसरे को कट कर रही हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर रही है ना दोनों रे, तो कन्वर्ज करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है रियल इमेज ये बनेगी। रियल इमेज बनी ए डैश बी डैश, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, ए बी की, ये रियल इमेज बनी ए डैश बी डैश, करेक्ट है। और ये रे आगे बढ़ गई और इस आई लेंस से ये दोनों रे टकराई, टकरा के ये डाइवर्ज कर गई। अब डाइवर्ज करेगी ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डाइवर्ज करेगी तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं रिफ्रैक्शन के बाद, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब ये पीछे बढ़ाओगे तो ये यहाँ मिली, ये इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे वजह यह है कि ये जो ए डैश बी डैश है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज है, लेकिन यही ए डैश बी डैश अब इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, और ये ऑब्जेक्ट इस आई लेंस के फोकस के अंदर है, फोकल पॉइंट इसका एफ ई है, उसके अंदर है। तो सिक्स्थ केस है ना, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज उधर ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट होता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बन रही है, और जैसा ऑब्जेक्ट होगा उस वैसी ही बनेगी। मतलब इन्वर्टेड है, मतलब जैसे ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड बनी, इरेक्ट होता तो इरेक्ट बनती, याद करो ठीक है। और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। अच्छा ए डैश बी डैश इंटरमीडिएट इमेज बोला जाएगा इसको, क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट इमेज बोला जाएगा ए डैश बी डैश को, क्योंकि ये फाइनल इमेज है नहीं, फाइनल इमेज तो ए डबल डैश बी डबल डैश है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में ये डिस्कस किया था कि जब भी दो इमेज को कंपेयर करना है कि भाई दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है लेंस के साथ, तो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने खड़ा कर दिया था ना, याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही जगह दोनों को खड़ा कर दिया था, और उसके बाद देखा था कि कितना एंगल बना रही है दोनों। बीटा माना जाता है इमेज जो एंगल बनाती है लेंस के साथ, और अल्फ़ा माना जाता है ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रही है
लेंस के साथ, ठीक है, करेक्ट है। तो अब देखो, अगर ए डबल डैश बी डबल डैश जहाँ है वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ना, ए ए बी डैश जितना हाइट इसका एच है उतना ही हाइट का मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, सेम प्लेटफॉर्म पे रख दिया जहाँ पर फाइनल इमेज बनी। और अब इसके साथ देखा मैंने कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फ़ा होगा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाती है लेंस के साथ, आई लेंस के साथ, ठीक है, और ये इमेज कितना एंगल बना रही है इसको कह दिया बीटा, सही है, देखो ज़रा, करेक्ट है ना, ठीक। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हम लोग लिखते हैं। अब बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले देखो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा लिख सकते हैं, अगर अल्फा बहुत छोटा स्मॉल है तो क्या होगा, ए बी डैश, बी डबल डैश होगा ये, ए बी डबल डैश डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ओ टू बी डबल डैश होगा, टेन अल्फा की वैल्यू यही ना होगी जो अल्फा के इक्वल है, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ बी डबल डैश होगा, ओ टू बी डबल डैश होगा, सही लिखें। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा के रख देंगे यहाँ पर, एम इज इक्वल टू बीटा की जगह ये वैल्यू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ टू बी डबल डैश होल डिवाइडेड बाई ए बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी डबल डैश कट जाएगा, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी डबल डैश, ए बी डबल डैश होगा। अच्छा, ए बी डबल डैश, ए बी डबल डैश इज इक्वल टू ए बी के बराबर होगा ना, इज इक्वल टू एच होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू जितनी है उतनी बड़ी तो ये वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी इसकी जगह ए बी डबल डैश की जगह ए बी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक लिख रहा है ना, गलत नहीं ना लिख रहे हैं, चेक कर लो एक बार, सही लिख रहे हैं ना। अब हमने अपनी तरफ से एक काम किया, हमने अपनी तरफ से ये ऑब्जर्वर हटा दे रहे हैं लिखा हुआ था, हमने अपनी तरफ से क्या किया, m की वैल्यू कितनी थी, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी, हमने अपनी तरफ से a डैश b डैश ऊपर मल्टीप्लाई किया, a डैश b डैश से नीचे मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर से काटोगे कट जाएगा वन आ जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो हम ये काम तो कर ही सकते हैं, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो कट के फिर से वन आ जाएगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस वैल्यू में ए डैश बी डैश से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई किया अपनी तरफ से। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ इस चीज़ को अब मैं यहाँ लिखूँगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एम इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इस वाले नीचे डिनोमिनेटर वाले ए डैश बी डैश को ए डबल डैश बी डबल डैश के साथ ले लिया, और ए डैश बी डैश ऊपर है नीचे ये जो ए बी है इसको इसके साथ ले लिया, ए डैश बी डैश के साथ, ए बी को ए डैश बी डैश के साथ ले लिया। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइडेड और ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट, तो इमेज ये इसने बनाया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने ये इमेज बनाया, इमेज की हाइट, लीनियर मैग्निफिकेशन जब हम कहते हैं एच डैश अपॉन एच, तो ये क्या होता है, एच डैश इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट होता है, तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन है, एम ओ इसको बोलेंगे, एम ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है,
तो ये क्या लिखा है, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये मैग्निफिकेशन किसका है, आई लेंस का है कि नहीं है। तो एम ई इसको लिखेंगे, एम ई लिखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो एम ओ की वैल्यू क्या होगी। जनरली लीनियर मैग्निफिकेशन जब आप बोलते हो तो क्या लिखते हो, वी अपॉन यू लिखते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन में वी अपॉन यू। तो ये जो डिस्टेंस है वो यू नॉट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजिशन, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की पोजिशन कितनी होगी, यू नॉट होगी, यू नॉट होगी ना, बोलो। और ये निगेटिव होगी, माइनस में होगी। और इमेज यहाँ बनी तो ये वी नॉट होगी, वी नॉट होगी ना, लेकिन ये प्लस में होगी, किस में होगी, प्लस में होगी। तो अगर मैं इसको m इज इक्वल टू एम नॉट इन टू एम ई लिखूँ तो m नॉट की वैल्यू, ये m नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m नॉट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट हो जाएगी, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट होगी कि नहीं होगी, एम ओ की वैल्यू इन टू। अब एम ई की वैल्यू का ध्यान दो, एम ई ये उसका ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, और ये इसकी इमेज है। अब याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्टिंक्ट विजन पे ये बन रहा है फाइनल इमेज, ये डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। आपकी आंख से ये इमेज कितने 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, आपकी आंख से, ऑब्जर्वर की आंख से ये इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, ठीक है। ये जो आई आपकी आंख, ऑब्जर्वर की आंख और ये जो लेंस है आई लेंस, इसके बीच की अगर डिस्टेंस को ए कंसिडर किया जाए और ये ए की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी आँख, ऑब्जर्वर की आँख और इस आई लेंस के बीच की डिस्टेंस जो ए हम कंसिडर कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, तो आई लेंस और फाइनल इमेज के बीच की डिस्टेंस हम डी ही कंसिडर करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि आई लेंस और आई के बीच की डिस्टेंस ए ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो एम ये केस कौन सा है, डिस्टिंक्ट विजन वाला है कि रिलैक्स आई वाला है, डिस्टिंक्ट विजन वाला, उसका रिजल्ट, हाँ हाँ हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन वाले में, डिस्टिंक्ट विजन वाले में इमेज, फाइनल इमेज जो बनती है, इमेज बनती है वो जो 25 सेंटीमीटर पे बनती है ना, दो केस हैं, डिस्टिंक्ट विजन में 25 सेंटीमीटर और रिलैक्स आई के केस में इमेज जो होती है इन्फिनिटी पे बनती है, ये कौन सा है, डिस्टिंक्ट विजन वाला केस है ना, और उसमें वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो अब एफ कौन सा है, किसका लेंगे, आई लेंस का लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का एफ लेंगे, आई लेंस का लेंगे, बिल्कुल सही। तो ये होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये यूज़ किया जाएगा, और ये जो केस है ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए है। अब रिलैक्स आई के लिए क्या होगा, फिर रिलैक्स आई के लिए क्या होना चाहिए, ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, यही ना होना चाहिए, यही तो आउटपुट है, ये फाइनल इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, उसके लिए ये ए डैश बी डैश इसको कहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए उस केस में, यानी इस लेंस के फोकल पॉइंट पे होना चाहिए। आई लेंस के फोकल पॉइंट पे अगर होगा तो फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके यहाँ अगर होता, यानी फोकल पॉइंट पे बनता आई लेंस के, तो इसकी फाइनल इमेज जो ए डबल डैश बी डबल डैश बनती वो यहाँ नहीं बनती, वो इन्फिनिटी पे बनती, कहाँ बनती, इन्फिनिटी पे बनती। उसके लिए अब जो रिलैक्स आई के लिए मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, रिलैक्स आई के लिए लिखने जा रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, इस जगह लिख दे रहा हूँ, शाइनी ना कर रहा है, रिलैक्स आई के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ, रिलैक्स आई के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखना, रिलैक्स आई के लिए क्या होगा, ये तो वही रहेगा माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, लेकिन जो एमओ की वैल्यू होगी, ये एमओ की वैल्यू वो हो जाएगी
डी अपॉन एफ होता है ना रिलैक्स आई के लिए, तो यहाँ डी अपॉन एफ ही हो जाएगा, एफ की जगह एफ ही का यूज करेंगे आई लेंस के लिए। क्लियर है, डाउट है? अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि कौन सा आपकी आंख के लिए कौन सा सूटेबल कंडीशन है, रिलैक्स आई सही है कि डिस्टिंक्ट विजन वाला? हाँ, रिलैक्स आई आपके आंख के लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि आपके सिलेरी मसल को आपकी आई लेंस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, दबाना नहीं पड़ता फोकस कम करने के लिए, यानी पावर बढ़ाने के लिए। अगर डिस्टिंक्ट विजन में करोगे तब तो आँखों पर जोर ज़्यादा पड़ेगा ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़, अब सोचो ज़रा, दूसरा केस सोचो, ये जो माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब होता है उसकी लेंथ कैसे डिसाइड की जाती है? वो ये जो दोनों लेंस है ना, इसी ये दोनों लेंस जो है माइक्रोस्कोप के जो हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है उसी में ये लगे रहते हैं, तो इसकी जो लेंथ होती है इन दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे डिसाइड होती है, उसको L से डिनोट किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है जनरली, ठीक है, उससे डिसाइड किया जाता है। तो अब सोचो ज़रा, डिस्टिंक्ट विजन में ये L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन में इस L की वैल्यू तुम्हारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, डिस्टिंक्ट विजन में ये वैल्यू होनी चाहिए वी नॉट प्लस यू ई का मॉड, वी नॉट प्लस यू ई का मॉड। वी नॉट प्लस में है तो इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया, लेकिन जो ये इमेज है ए डैश बी डैश, ये आई लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यू ई होगी। यू ई जनरली ऑब्जेक्ट की पोजीशन निगेटिव होती है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो जिधर रे का डायरेक्शन होता है, रे जिधर जा रही होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंस निगेटिव होती है। जैसे ये रे जा रही है इधर चली गई, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई ना, इस लेंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन हुई ना। साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन होता है वो निगेटिव होता है। तो इस लेंस के लिए रे जा रही है इससे ऐसे चली गई इस लेंस के लिए, तो इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा। इस लेंस के लिए देखो ये रे ऐसे जा रही है तो ये इंसिडेंट की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, तो इस लेंस के लिए पॉजिटिव इधर हुआ निगेटिव इधर हुआ, लेकिन इस लेंस के लिए पॉजिटिव इधर हुआ निगेटिव इधर हुआ। तो इस लेंस से इस तरफ जब भी जाओगे तो निगेटिव होगा, उधर जब भी जाओगे तो पॉजिटिव होगा। उसी तरह इस ऑब्जेक्टिव लेंस से राइट साइड यानी रे का डायरेक्शन जिधर मोशन होता है रे का, जिधर रे जाती है इंसिडेंट रे जिधर जाती है वो पॉजिटिव होता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव होता है। इसीलिए देखो यू नॉट हमने निगेटिव लिया है, वी नॉट पॉजिटिव लिया है, लेकिन जब इसकी बात कर रहे हैं इस आई लेंस की तो यू ई की वैल्यू निगेटिव है, लेफ्ट साइड होगी, जबकि इधर जो भी होगा डायरेक्शन वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यू ई क्योंकि निगेटिव है इस लेंस के लिए, ये ऑब्जेक्ट है ना ए डैश बी डैश, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए यू ई का इस्तेमाल करें। ई किसके लिए यूज़ किया गया, आई लेंस के लिए आई का ई यूज़ किया गया है। अब मॉड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मॉड कर लिया गया है ताकि पॉजिटिव में आए। तो डिस्टिंक्ट विजन में, ये डिस्टिंक्ट विजन का केस है, डिस्टिंक्ट विजन में जो ट्यूब, जो माइक्रोस्कोप जिस सिलेंड्रिकल हॉलो ट्यूब में रखा होता है दोनों लेंस, उसकी लेंथ जो होती है डिस्टिंक्ट विजन के केस में वी नॉट प्लस यू ई का मॉड के बराबर होती है, और रिलैक्स आई के केस में यही लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे तो ये एफ ई के बराबर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एफ ई हो जाएगी। तो एफ ई होने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना क्या होगा, वी नॉट प्लस एफ ई के बराबर होगा ना उस केस में, लेंथ ऑफ द ट्यूब हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या होगा। पॉइंट समझ में आया जो मैंने बात बोली है? अरे भाई जब ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, अगर यहाँ पर रहेगा यानी फोकल पॉइंट के अंदर होगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के अंदर होगा, तब तो छठा केस है। इमेज उधरी बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है और बड़ी बनेगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन वाला केस हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो के अगर इस आई लेंस के फोकस पे बनता, ये जो ऑब्जेक्ट की रेज आ रही हैं जो इमेज बना रही है वो बना लेती अगर
इसके फोकस पे। अगर नहीं बना रही तो हमने लेंस को एडजस्ट करके, लेंस को थोड़ा सा पीछे करोगे तो, लेंस को थोड़ा सा पीछे करोगे तो क्या होगा, इस लेंस को राइट साइड में मूव करोगे तो फोकस भी शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, फोकस शिफ्ट होके इधर आ जाएगा क्योंकि आपने लेंस को उधर किया है। तो ये एफ ई जो है शिफ्ट होके यहाँ आएगा, जैसे शिफ्ट होके यहाँ आया इमेज यहीं बन रही थी, अब वो फोकल पॉइंट आ गया यहीं पे बी डैश पे, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अब यहाँ तो बनेगी नहीं, अब तो सीधे इन्फिनेटिव पे जाएगी ये इमेज। पॉइंट समझ में आया अब कि नहीं आया, कि डाउट है अभी भी? चलो नोट करो।